अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मारिया खान फ्रॉम amanat.com। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे। और आज मैं आप लोगों से जिस प्रोजेक्ट की डिटेल्स शेयर करने वाली हूँ उसका नाम है न्यू सिटी पैराडाइज। नाउ बिफोर आई जंप इनटू द प्रोजेक्ट डिटेल्स, न्यू सिटी का जब हम नाम सुनते हैं तो आप लोगों के दिमाग में डेफिनेटली जो लोग रियल स्टेट की फील्ड से वाबस्ता हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं या फिर इस्लामाबाद और दिल्ली की लोकेलिटीज़ में रहते हैं, आप लोगों ने न्यू सिटी वाकेंड के हवाले से ज़रूर सुना होगा। और न्यू सिटी वाकेंड जो है एक ऑलरेडी डिलीवर्ड प्रोजेक्ट है। तकरीबन 2005 और 2006 में जो है इसकी बुकिंग और सेलिंग स्टार्ट हुई थी। और जब मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में रिसर्च कर रही थी तो मुझे पता चला कि उस टाइम पर जो है ये 5 से 6 लाख जो है एक प्लॉट की कीमत हुआ करती थी, जो कि अब 5-7 फोल्ड में जाकर जो है उसकी अब प्राइसेस हैं। और न्यू सिटी वाकेंड की जो एक सबसे स्पेशल चीज़ है वो ये है कि ये फुली डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। उस टाइम से लेकर अब तक इस प्रोजेक्ट की अगर हम लोग बात करें, इसके ब्लॉक्स की बात करूँ मैं आप लोगों से, तो ए से लेकर जी तक इसके ब्लॉक्स हैं। और अगर हम टोटल अल्फाबेट सारे काउंट करते हैं तो देर 26। सो बेसिकली देर 26 ब्लॉक्स राइट नाउ दैट आर कम्प्लीटली डिवेलप्ड, चाहे कमर्शियल्स हो, घर हो, ज़िंदगी की ज़रूरत, ज़िंदगी की जितनी भी सहूलियात हैं जैसे कि पानी है, गैस है। अगर मैं छोटी से छोटी भी किसी चीज़ की बात करूँ, नॉर्मल जिस तरह स्ट्रीट लाइट्स होती हैं और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए सिग्नल्स होते हैं, हर चीज़ वहाँ पर ए टू जी मौजूद है। और अभी रिसेंटली आई विजिटेड इट ताकि मैं इसको बेहतर तरीके से समझ सकूँ, तो मुझे आइडिया हुआ कि कितने बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है। और जो ये नया प्रोजेक्ट आ रहा है न्यू सिटी पैराडाइज, ये भी न्यू सिटी वाकेंड वालों का ही प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट की जो एक स्पेशल बात है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है विद NOC ऑलरेडी, मतलब लॉन्चिंग से पहले ही NOC ये लोग हासिल कर चुके हैं। और सिर्फ ये नहीं कि इन लोगों ने जो आगे आप लोगों को प्लॉट्स देने हैं, जो इनकी जब सेल्स स्टार्ट होंगी, जब सेलिंग स्टार्ट होगी, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि इनके पास कितनी ज़मीन है, आप लोगों का जो प्लॉट है आपको ऑलरेडी पता होगा कि वो कहाँ पर है, कितना लैंड है, हर चीज़ की डिटेल्स आप लोगों को ऑन टाइम दी जाएंगी। सबसे जो है इस टाइम के हिसाब से मेरे नज़र में भी जितने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं सबसे सेफ एंड सिक्योर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट ये है। और अब अगर मैं आप लोगों से इसके एक और सबसे मेन फीचर के बारे में बात करूँ वो है इसका लोकेशन। बल्कि मेरी नज़र में जितने भी रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं सबसे ज़्यादा जो उसमें चीज़ मैटर करती है वो है उसकी लोकेशन। सो इसकी जो लोकेशन है इंतहाई प्रीमियम जगह पर है, मोटरवे 1 इस्लामाबाद और सीपे के बिल्कुल मिडल में इसकी लोकेशन है। और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह मैं आप लोगों से इसकी पिन लोकेशन भी शेयर करूँगी ताकि आप लोग उसको खुद भी विजिट कर सकें एक दफ़ा ऑफिशियली इनकी लॉन्चिंग सेरेमनी हो जाए उसके बाद। एक और ये है कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और जो उसके डेवलपर्स हैं और जिस तरीके से इनका एक्सपीरियंस है, इंतहाई मतलब क्रेडिबल डेवलपर्स हैं, उस लिहाज से जो इन्होंने इसकी प्राइसेस रखी हैं इस पूरे ओवरऑल जितने भी इनके डिफरेंट प्लॉट साइजेस हैं उसकी जो प्राइसेस हैं मेरी नज़र में वो बहुत ही रीज़नेबल हैं। अगर मैं ये चीज़ साथ में देखूँ कि एक तो वो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, किसी किस्म का लैंड का इशू नहीं है, उसके अलावा लोकेशन बहुत आउट क्लास है, ये तमाम चीज़ें देखते हुए भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की सोसाइटी बनने के बावजूद और इतने रीज़नेबल रेट्स, ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसके जो रेट्स हैं मैं आप लोगों के साथ वो रेट शेयर करना चाहूँगी। इनके जो है 3 डिफरेंट प्लॉट साइजेस हैं जो कि इनिशियली लॉन्च किए जा रहे हैं, 5, 10 मरला और 1 कनाल। 5 मरला की अगर मैं टोटल प्राइस आप लोगों से शेयर करूँ दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 18,50,000 रुपीज़। फॉर 10 मरला इट इज़ 35,50,000 रुपीज़ एंड फॉर 1 कनाल प्लॉट इट इज़ गोइंग टू बी 67,50,000 रुपीज़। अब इसकी जो बुकिंग है अगर मैं 5 मरला से स्टार्ट करूँ तो वो होती है ऑलमोस्ट 2,30,000 से, और आफ्टर अ मंथ यू हैव टू पे कन्फर्मेशन अमाउंट जो कि सेम है एज इट इज़, जैसे कि बुकिंग अमाउंट है 2,30,000 रुपीज़। उसके बाद जो 10 मरला का प्लॉट है उसकी बुकिंग पेमेंट जो है वो है 4,43,750 रुपीज़। फॉर 1 कनाल इसकी जो बुकिंग पेमेंट है इट इज़ गोइंग टू बी 8,43,750 रुपीज़। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी 36 मंथली इंस्टॉलमेंट्स हैं, यानी कि तकरीबन 4 साल का ये टोटल प्रोजेक्ट है। उसकी 4 हाफ ईयरली पेमेंट्स होंगी जो आप लोगों को पे करनी होगी, जिनको बलून पेमेंट्स भी कहा जाता है। और बैलेटिंग जो है इसकी जल्दी होगी, तो बैलेटिंग की भी जो पेमेंट है ऑलरेडी वो आप लोगों को जो है एडवांस से पता होगी। अगर मैं आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ 5 मरला की शेयर करूँ तो दैट इज़ 2 लाख रुपीज़। और इसी तरह जो है यही इनकी बैलेटिंग की पेमेंट है जो आप लोगों ने पे करनी है। अलॉटमेंट के टाइम पर देयर इज़ गोइंग टू बी अनदर पेमेंट एज वेल। तो ये जितना भी पेमेंट का स्केड्यूल है ये फिक्स्ड है। और आप लोगों को अगर मज़ीद डिटेल्स चाहिए आप लोग बता सकते हैं, नंबर्स आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, आप लोग कॉमेंट्स में हम लोगों से पूछ सकते हैं, हम आपसे ये जितने भी पेमेंट प्लान्स हैं वो हम सारे आपसे शेयर कर देंगे। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी इसके डेवलपर्स के बारे में, इनके जो इस प्रोजेक्ट के जो डेवलपर्स हैं मैं बता चुकी हूँ न्यू सिटी वाकेंड ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, डिलीवर कर चुके हैं और लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अगर आप लोग कुछ चाहें तो उसको विजिट कर सकते हैं ताकि आप लोगों को इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में आइडिया हो जाए। व्हेनेवर अ डेवलपर, ये चीज़ मैं खुद आप लोगों से शेयर करना इसलिए ज़रूरी समझती हूँ बिकॉज
मैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स रिव्यू करती रहती हूँ, देखती रहती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है कि जब भी एक डिलीवर हुआ हुआ प्रोजेक्ट होता है तो उसके जो डेवलपर्स होते हैं, जो मिस्टेक्स उन्होंने अपने लास्ट प्रोजेक्ट में कभी की होती हैं या जो कमियां रह जाती हैं, उनकी कोशिश होती है कि जो उनके आने वाला नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसमें वो चीज़ें ना रहें और उसको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि जो गलतियाँ हो गई, जो कमियाँ रह गई पिछले प्रोजेक्ट में, वो इस प्रोजेक्ट में ना हो। सो दिस इज़ गोइंग टू बी आई बिलीव वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ऑल ऑफ यू। अगर आप मुझे डिटेल्स हासिल करना चाहते हैं, अगेन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर, और इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून्ड टू amanat.com। अंटिल नेक्स्ट टाइम। amanat.com, पाकिस्तान्स फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टल। मशवरा अमानत है।